Welcome to KK Chauhan Vision. Today we are going to learn about the defects of human eye. आज हम मानव आंख के दोषों के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Defects of human eye. आंख के दोष क्या है? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि आंख के काम क्या है. आंख का काम है वस्तु को देखना. कैसे देखती है वस्तु? जब प्रकाश आंख में प्रवेश करता है वस्तु से चला हुआ, कॉर्निया से होता हुआ, लेंस से होता हुआ, वो रेटना पर पहुंचता है तो वस्तु हमें साफ दिखाई देती है. परंतु जब कभी प्रकाश वस्तु से चला हुआ रेटना तक नहीं पहुंचता, रेटना से पहले या रेटना के पीछे उसका प्रतिबिंब बनता है, तो हम वस्तु को साफ नहीं देख सकते. इसे हम डिफेक्ट्स ऑफ ह्यूमन आई कहते हैं. कोई भी वस्तु देखने के लिए हम या तो दूर की वस्तु देखते हैं या फिर पास की, तो इसके लिए हमारे पास दो दूरियां आ जाती हैं. एक तो नियर डिस्टेंस, एक फार डिस्टेंस. नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई और फार पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई. नियर पॉइंट फॉर द नॉर्मल आई क्या होता है? कोई भी वस्तु जिसे जो पास है, हमारी आँख के पास है, उसे साफ देखने के लिए वो कम से कम दूरी जिसे हम रेटना तक इमेज साफ बना सके, उसे हम नियर पॉइंट ऑफ द आई कहते हैं. यह नॉर्मल आँख के लिए 25 सेंटीमीटर होता है. फार पॉइंट वो दूर से दूर पड़ी वस्तु जिसे हमारी आँख साफ देख सकती है, जिसका प्रतिबिंब इमेज हमारी आँख के रेटना पर साफ बनता है, उस मैक्सिमम दूरी को हम फार पॉइंट कहते हैं या दूरस्थ बिंदु भी इसे कहते हैं. हाँ, नॉर्मल आँख के लिए ये दूरी अनंत होती है, पर ये अनंत दूरी सभी आँखों के लिए एक जितनी नहीं होती. आइए सबसे पहले हम आँख के जो शुरुआत का दोष हम पढ़ रहे हैं, निकट दृष्टि दोष, तो नेक्स्ट पिक्चर में मैं दिखाऊंगी इसे. इसे हम नियर साइटेडनेस भी कहते हैं. तो नियर साइटेडनेस क्या होता है? जिसमें पास की वस्तु तो हमें साफ दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती. पास की वस्तु का ऑब्जेक्ट रेटना पर बनता है, परंतु दूर पड़ी वस्तु का इमेज रेटना से पहले बन जाता है, तो जिस कारण हमें वस्तु दिखाई नहीं देती. क्या कारण हो जाता है, क्यों हमें वस्तु साफ दिखाई नहीं देती? उसके हम दो कारण लेंगे. एक तो ये जो आई बॉल है, हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि गोल होता है, पर जब ये आई बॉल यूं इस टाइप में लंबा हो जाता है और ये कॉर्निया भी थोड़ा, इसका कर्वेचर भी यूं लंबा हो जाता है, उस वक्त दूर पड़ी वस्तु का इमेज रेटना से पहले बनना शुरू हो जाता है और वस्तु साफ दिखाई नहीं देती. एक कारण हम और भी कह सकते हैं कि इस लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, तो ये भी कारण है इसका. फोकल लेंथ कम होने का कारण क्या हो गया? ये लंबा हो जाता है. तो इसको ठीक कैसे करेंगे? ठीक करने के लिए हम कनकेव लेंस का प्रयोग करते हैं. इसके बने हम चश्मे पहनेंगे तो हमारा ये दोष ठीक हो सकता है. तो जो दूर पड़ी वस्तु है उसका इमेज रेटिना तक बनता है. अभी हमने मायोपिया के बारे में पढ़ा, नियर साइटेडनेस के बारे में पढ़ा, या इसे हम निकट दृष्टि दोष भी कहते हैं. बहुत आसान था याद करना कि जो वस्तु पास पड़ी है उसका इमेज साफ, पर जो वस्तु दूर पड़ी है उसका इमेज साफ नहीं बनता. कारण जो था वो मैंने बताया कि आई बॉल लंबा हो जाता है एक तो, और दूसरा लेंस की जो फोकल लेंथ है वो कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है. और इसको ठीक करने का उपाय क्या था? अवतल लेंस. अगर ये हमें समझ आ गया तो बिल्कुल इसका उलट हम पढ़ेंगे हाइपरोपिया में या फार साइटेडनेस के लिए.
फॉर साइटेडनेस भी उल्टा कहेंगे, हम क्या कहेंगे कि दूर पड़ी वस्तु हमें साफ दिखाई देती है पर निकट पड़ी वस्तु हमें साफ दिखाई नहीं देती। कारण निकट पड़ी वस्तु का इमेज रेटना से पीछे बनता है, आप यहाँ देख सकते हैं रेटना से पीछे बनता है। तो फिर इसको इसका कारण क्या है? कारण जो इसमें आई बॉल जो लंबा हुआ था उसमें आई बॉल कुछ इस तरीके से लंबा हो जाता है और ये जो कॉर्निया है इसकी कर्वेचर कम हो जाती है, जितनी नॉर्मल चाहिए उससे कम हो जाती है तो पीछे की ओर जाता है। और थर्ड बात जो है वो लेंस की फोकल लेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है, तो पीछे की ओर इमेज आके बनती है। इसे ठीक करने के लिए हम कन्वेक्स लेंस के बने हुए चश्मे पहनते हैं और इस दोष को दूर कर सकते हैं। अभी हमने दो दोष पढ़े, मायोपिया और हाइपरोपिया। बहुत आसान है, अब अगर ये डायग्राम बनाएंगे हम तो इससे समझ आ जाता है।